ये नया चैप्टर है, ये थोड़ा सर्कल से सर्कल्स अब इसमें लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, हेडिंग डाल दिया सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। जैसे सर्कल है तो सर्कल को हमने सी बोल दिया कैपिटल सी, और ब्रैकेट में कैपिटल ओ कॉमा आर, ये क्यों लिखा है? कैपिटल ओ का मतलब क्या हो गया? सर्कल का सेंटर है ये कैपिटल, ठीक है, और स्मॉल आर का मतलब क्या है? ये सर्कल का रेडियस है, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं तो सर्कल सी कैपिटल ओ कॉमा आर डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज। प्लेन ऑन विच इट लाइज का मतलब क्या है? कि जिस प्लेन पर मैंने इस सर्कल को ड्रॉ करा है, तो मैंने इस सर्कल को कहाँ पर ड्रॉ करा है? मैंने इसको इस बोर्ड पर ड्रॉ करा है। आप कहाँ पर बना रहे हैं? प्लेन शीट ऑफ पेपर पर बना रहे हैं। तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के बाहर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर कोई पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पर, यानी कि सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो अगर सर्कल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो क्या हो गया? सर्कल। और अगर कोई पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इंटीरियर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल जो है वो जिस प्लेन में, सर्कल जिस प्लेन पर बनता है उस प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल। कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ सर्कल पर ही लाई करें, कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सर्कल के अंदर लाई करें, और कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सर्कल के बाहर लाई करें, ठीक है। बाहर वाले एक्सटीरियर, अंदर वाले इंटीरियर, एंड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड सर्कल, ठीक। उसके बाद अगला लिखेंगे कॉर्ड, कॉर्ड सी एच ओ आर डी कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल
ये सर्कल है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी क्यू इज अ कॉर्ड। ठीक है, सर्कल पर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको अगर कोई स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड हो गया। उसके बाद देखें डायमीटर, a chord passing through the center of a circle diameter chord, a chord passing through the center of a circle करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स हो उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन बनती है दैट लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड, उस लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। तो हमने क्या करा, सेंटर से गुजर रही है अगर कोई कॉर्ड तो दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो पी क्यू सेंटर से गुजर रही है उसे हियर पी क्यू इज a line which meets or cuts a circle is called at two distinct points is called a secant of the circle. तो ये क्या होता है, हम ये कहते हैं कि कॉर्ड जो है वो कॉर्ड सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है, मतलब सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड बोल देते हैं। अगर वही कॉर्ड बाहर से आए, अगर वही स्ट्रेट लाइन बाहर से आए और सर्कल को दो पॉइंट्स में काटती हुई चली जाए तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। कैसे, ट्रांसवर्सल, जैसे दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई चली जाती है ऐसे ही सर्कल को दो पॉइंट्स में जो काटता हुआ चला जाए उसको सीकेंट बोलते हैं। पी पॉइंट पर काटती है इसको और क्यू पर काटती है, हम ये कहेंगे ए बी इज अ सीकेंट ऑफ दिस सर्कल, ए बी इज अ सीकेंट ऑफ दिस सर्कल, सीकेंट है ए बी। ठीक है, हाँ जी बोलिए। अगर ए
अगर एक ही होता तो सीकेंट नहीं होता। सीकेंट का मतलब है कि दोनों तरफ आर पार जानी चाहिए। तो फिर सर लाइन विद मीन्स टू है व्हिच मीट्स और कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विद अच्छा व्हिच मीट्स और कट्स अ सर्कल एट टू मीट्स और कट्स मतलब मीट करना या कट करना एक ही बात है। मतलब उसका मतलब मीट का मतलब ये नहीं है कि वहीं पर जाकर मिट जाए, है ना। मीट्स और कट्स का मतलब ये है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है? Tangent of a circle. क्या करेगा ये बस छूता हुआ निकल जाएगा क्योंकि इसको एक ही पॉइंट पर टच करना है। तो किसी भी तरीके से ये सर्कल के अंदर से नहीं निकल सकता आर पार। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अगर सर्कल के अंदर से निकलेगा तो फिर दो पॉइंट पर जरूर काटेगा सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक ऐसी लाइन जो जस्ट छूते हुए निकल जाए क्योंकि उसको एक ही पॉइंट पर टच करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। आपका क्लियर है सभी को? इसके बाद इसकी डेफिनेशन नहीं है, डायग्राम में ही समझ लेंगे। डेफिनेशन लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, पूछते नहीं, इनका पूछ लेते हैं, इस वजह से ये बता दिया है। और
मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये होगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, कोई भी सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल पर हमने कोई दो पॉइंट्स मार्क कर लिए। ठीक है, एक पॉइंट हमने मार्क करा पी, दूसरा हमने मार्क करा क्यू। तो पी से क्यू तक जाने का ये जो छोटा रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और पी से क्यू तक जाने का ये बड़ा रास्ता है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व्ड लेंथ है पी क्यू इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला कर्व्ड लेंथ है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, माइनर आर्क का मेजर आर्क। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नोट की नोट कीजिएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल की जैसे आर्क्स हैं, आर्क्स दो तरीके की होती हैं, इसी तरीके से जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स भी दो तरीके के होंगे। ये भी क्या होगा, माइनर और मेजर, दो तरीके के होंगे सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये सर्कल का सेंटर मैंने ना दो रेडियस बना लिए, सर्कल का सेंटर हो गया O, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B। अभी इसको हमने काट दिया इधर से, काट कर इस टुकड़े को बाहर निकाल लिया, तो ये ऐसा हो गया जैसे कि एक पिज़्ज़ा की स्लाइस होती है, और पिज़्ज़ा को अगर देखें तो वो पूरा सर्कुलर होता है, तो उसकी जो स्लाइस है वो सेक्टर का एक एग्जांपल है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है, दिस स्मॉल पीस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, उसको शेड कर देते हैं। अब इस टुकड़े को मैंने काट कर बाहर निकाल दिया, तो ये टुकड़ा तो ऐसे हो गया, और जो सर्कल है वो सर्कल ऐसे रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से रह गया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये भी तो एक टुकड़ा है सर्कल का, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, समझ गए। तो दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। उसके बाद देखिएगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट है, सेगमेंट भी दो तरीके के होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो सेक्टर बनाने के लिए मुझे सर्कल के दो रेडियस सेक्टर बनाने के लिए मुझे सर्कल के दो रेडियस बनाने जरूरी है। आप ये देखिए, ये जो ये सर्कल था पूरा का पूरा, इसका एक रेडियस मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा और एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करा, इस रेडियस के अक्रॉस काट दिया, इस रेडियस के अक्रॉस काट दिया और उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्टर बन गया। सेगमेंट बनाने के लिए, सेक्टर बनाने के लिए दो रेडियस की ज़रूरत है, सेगमेंट बनाने के लिए एक कॉर्ड की ज़रूरत है, सेगमेंट बनाने के लिए एक कॉर्ड की ज़रूरत है। तो कैसे बनता है देखिए, सेगमेंट
और जो ये बड़े वाला पोर्शन है इसको बोल देते मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ये हो गया, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट इस तरीके से हो जाता है, समझ गए। तो सेगमेंट्स में किसी भी सर्कल को सेगमेंट्स में कौन डिवाइड करता है, सिर्फ एक कॉर्ड, एक कॉर्ड की जरूरत है। छोटा वाला जो एरिया है कॉर्ड के, छोटा वाला जो है वो माइनर कहलाएगा, जो बड़ा वाला है वो मेजर कहलाएगा, समझ गए। ये सारे टर्म्स हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें भी मतलब जो क्वेश्चन हैं वो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स वाले और फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और यहाँ आरडी बिंदु वाले दे रखे हैं, बस थोड़ी सी क्वान्टिटी बढ़ गई है यहाँ, है ना। तो जरा देखेंगे एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट देखिएगा ऑल पॉइंट्स लाइन, ऑल पॉइंट्स लाइन इनसाइड और आउटसाइड अ सर्कल inside or outside a circle, inside or outside a circle are called dash points or link dash points. क्या होगा? Interior points or link exterior. शायद नहीं पता होगा ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
distance from the center of a circle is a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. Now, a point whose distance from the center of a circle. एक point जिसका distance center of a circle से circle के center से इतना बड़ा होगा कि वो रेडियस से बड़ा है. अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. रेडियस से बड़ा है तो वो कहां लाइन करेगा? हां समझ गए. अगर मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है और एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से जिसका डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा हो तो कहां लाइन करेगा? पॉइंट बाहर एक्सटीरियर में. समझ गए. तो ये फिलिप द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाली ही है पहली एक्सरसाइज. और इसमें ना दो क्वेश्चंस जरूर बनाकर देंगे टीचर्स. वो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आते हैं. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल फोर्थ पार्ट. जैसे हम एक आर्क बनाते हैं, मान लीजिए डायमीटर और अब आर्क यहाँ पर है, मान लीजिए पी डैश और क्यू डैश. तो ये आर्क क्या कहना है, ये माइनर आर्क या मेजर आर्क? सेम होगी. तो ये जो ये सेम होगी क्यों होगी? आधा आधा हो गया. आधे सर्कल को क्या बोलते हैं?
semicircle. An arc is a semicircle when its ends are the ends of a diameter. सर्कल जिस प्लेन पर हम सर्कल को बनाते हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सर्कल एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल पर अगर लाई करेगा तो भाई फिर तो वो रेडियस कहलाएगा ना, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस तो रेडियस ही कहलाएगा, और रेडियस से बड़ा डिस्टेंस कहाँ होगा, फिर वो पॉइंट बाहर लाई करेगा सर। मार्क
एक सुटेबल रीजन फर्स्ट है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर सर्कल ही बनाएंगे स्फीयर भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी आप बनाएंगे ऐसा कि भाई वो दिखेगा सर्कल जैसे ही आपको जो सर्कल इज अ प्लेन फिगर प्लेन पर बनाई जा सकती है स्फीयर तो बॉल है उसको नहीं बनाया जा सकता प्लेन पर सेकंड है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट सकते हैं
सर्कल है जो फाइनल सही। अच्छा अगर फाइनाइट होंगी तो कितनी होगी ये बताओ। चार चार कैसे नहीं, दो ऐसे दो ऐसे नहीं, तो फिर इनफाइनाइट होंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स पता है कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, किसी ने कह दिया 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनानी है, तो मैंने कहा एक यहाँ बन गई, 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 बनाते जाओ। ये थोड़ी कहा है कि वो इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट कर सकती है आपस में, कोई बात नहीं। तो कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हम बना सकते हैं, समझ गए। आज इतना ही कर लीजिए, इसके 4 पार्ट्स और बचे हैं, अगली क्लास में कराकर फिर इसकी 8 थ्योरम्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, मतलब कहने के लिए सर्कल की थ्योरम है, लेकिन आप देखना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यूज होगा यहाँ पर, क्वाड्रेंट देख पाएंगे। चलिए, अरे नहीं, मैं टेंशन ना लूँ।